गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरी लगने की, जो पढ़ गया वही लग जाएगा नौकरी। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 6 तारीख लास्ट डेट है या 8? 8। सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया? नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो 12वीं पास हैं, नौकरी भी लगना चाहते हैं और CHSL अप्लाई नहीं किया? तुम्हें घर से बुला के कोई नहीं ले जाएगा? एज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एज है और सारी चीजें सही हैं तो अप्लाई कर दिया सबने? 4 चीजें आने वाली इसमें, कितनी? 4। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या? फिर ठीक है, वेरी गुड। चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई हुई है? Yes, sir। अप्लाई कर दिया? नहीं। Yes, sir। करना भी मत, घर से ही बुला ले जाएंगे तुम्हें। चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म भर लेना, बहुत मुश्किल से फॉर्म आए हैं, कभी फिर तो रह जाओ ऐसे ही। 3 चीजें आएंगी पेपर में, कितनी? कौन कौन सी? मैथ, रीजनिंग, जीके। मैंने जो बोला समझ में आ गया? वेरी गुड। HSSC ग्रुप डी वैकेंसी आ गई है, फॉर्म अप्लाई होने चालू हो गए? Yes, कर दोगे एक दो दिन में? Yes, इसमें क्या क्या आएगा? मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके। मैंने जो बोला समझ में आया? Yes, या नहीं आया? मैथ, रीजनिंग, जीके तो देखो हर जगह है, आया ना? Yes, फिर इंग्लिश बढ़ गया, हिंदी बढ़ गया, हरियाणा जीके, राजस्थान में राजस्थान जीके, सारी तैयारी एक जैसी होती है, आया ना? SSC MTS की भर्ती आ रही है जल्दी सी, SSC और CGL के थोड़े दिन पहले भरे गए थे फॉर्म। मैंने जो बोला समझ में आ गया? SSC CGL के 22 तक के सारे लगा दिए, पेंडिंग नहीं है SSC के पार्ट पर कुछ भी। अब SSC के पेपर लीक नहीं होते तो SSC CHSL में लगने का, चंडीगढ़ पुलिस में लगने का, HSSC ग्रुप डी CET करने का, अगर सी ग्रुप में तुम लोग एलिजिबल हो तो वो करने का, और नहीं हो तो जो नौकरी पहले मिल जाए, हर जगह अप्लाई करना है, हाँ या ना? Yes, sir। अपने प्रोसीजर को जहां तक वो तुम्हारे प्रोसीजर को लेके जाते हैं तो वहां तक लेके जाओ अपने प्रोसीजर को, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जो लोग फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदारी, जानकारी, तुम्हारे दोस्त, तो सबको बता दो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरी लगने की, जो पढ़ गया वही लग जाएगा नौकरी, हाँ या ना? Yes, sir। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes।